लोकसभा चुनाव अब पांचवें चरण तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही चुनावी बाजी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। नजरें सबसे ज्यादा अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के नतीजों पर टिकी है। इसके अलावा दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर सियासत तगड़े से चल रही है। यहाँ पर दो बिहारी एक कन्हैया तो दूसरे मनोज तिवारी के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव पांचवे और छठे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के एक सवाल के जवाब में कहा, PM ने पिछले 10 सालों में क्या किया? उन्होंने कहा, वह सिर्फ बातें कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पिछले 10 सालों के दौरान कुछ नहीं किया। कन्हैया कुमार ने आगे कहा, PM नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ कहते रहते हैं, कभी मन की बात, कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी अच्छी बातें भी करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब तो उनका दूसरा कार्यकाल भी समाप्त होने के करीब है, वादा कब पूरा करेंगे? पूर्वी दिल्ली में जाम, जलभराव और लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में लोग महंगाई और बेरोजगारी की समस्या के बीच कठिनाई से जीवन जी रहे हैं। अब PM और उनके सांसद के लिए वक्त काम करने का नहीं, अब तक क्या काम किया है ये बताने का है। अगर उन्होंने पिछले 10 सालों में काम नहीं किया तो उनको गद्दी छोड़कर जाने की जरूरत है। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद मनोज तिवारी को चुनौती मात देने के लिए जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।